यूपी के संभल में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां गांव के दबंगों ने महिला के साथ गैंगरेप की कोशिश की, वहीं गैंगरेप में नाकाम होने के बाद हैवानों ने महिला को जिंदा जला दिया और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। घटना रजपुरा थाना के पाठकपुर गांव की है। मृतका परिजनों का आरोप है कि गांव के ही चार दबंग युवक आए, दिन दहाड़े छेड़छाड़ की। शुक्रवार को जब महिला ने इन दबंगों के का विरोध किया तो चारों युवकों ने पहले तो महिला के घर में घुसकर पीटा और फिर उसे झोपड़ी में बंद कर आग के हवाले कर दिया। मृतक महिला की 6 साल की मासूम बच्ची थी, वहीं उसका पति दिल्ली में रहकर काम करता था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जो नेट पर जाए पर जाए वहाँ से आके हमारी बहन को फिर उठा ले गए। अच्छा, फिर ले जाके थोड़ी सी को 10 कदम आगे मढ़िया मंदिर। कितने बजे उठाया दोबारा बहन को तुम्हारी को? बहन को मतलब 2:30 बजे की बात है, 8 घंटे में फिर उठा लिए। अच्छा, फिर वहाँ मंदिर में मंदिर आश्रम में बाबा को वहाँ वहाँ एक मढ़िया है, उस मढ़िया में पहले से उसमें प्राण लिखा रहे बहन के हमारी। अच्छा, मारी है? मारी है, मार के तख्त पर पड़ा, उसे पकड़ी है, तख्त पर रख के मिट्टी रख के और तो उसने आग लगा दी। मिट्टी का 5 लोगों द्वारा जलाकर मारा गया। ये गांव के ही लोग हैं। इस दौरान इसका पति दिल्ली में था और वो वहीं पे मजदूरी करता है। अभी कुछ देर पहले वो थाने पे आ गया है। मरने से पहले इस औरत ने अपने भाई से बात की थी। हमें अब तक अकाट साक्ष्य मिल गई है कि किन लोगों ने ये घटना करी है और किन कारणों से करी है, जो यहाँ पर बताना उचित नहीं होगा। और इस संबंध में अभी हम तहरीर का और इंतजार कर रहे हैं।